सबको जोहार। आज आपका राजकीय मध्य विद्यालय गुमला के बच्चे बेतला टाइगर रिजर्व पलामू विजिट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये बच्चे आमतौर पे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें आमतौर पे इस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिलता है। शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व में जा रहे हैं। तो मैं ये एक उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जब जाएंगे टाइगर रिजर्व तो जो उनको एक्सपोजर मिलेगा फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, उसके इंटर रिलेशनशिप के बारे में, आपको क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, एक उन्हें इट विल मेक दीज स्टूडेंट्स मोर अवेयर स्टूडेंट्स। तो जब ये मैच्योर होंगे, जब ये बड़े होंगे, तो इनमें मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस पनपेगा, डेवलप होगा, एंड दे विल बिकम लाइक बेटर सिटीजन्स। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि बच्चों को ऐसा एक्सपोजर दिया जाए जिससे वो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट समझे, और फिर अपनी ज़िंदगी में वो ऐसे एक्शंस लेकर आए जिससे दे कुड बी अ मोर प्रोडक्टिव सिटीज़न, मोर कंसर्न सिटीज़न। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने ऐसे बच्चों को चूज़ किया जो आमतौर पे ऐसे चीज़ों से कम ही एक्सपोज होते हैं, इसलिए सरकारी स्कूल है, थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बच्चे हैं, यही सब हमारा रीज़न्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्रिप बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच अगेन जोहार। इसलिए कि जो प्रजाति विलुप्त होते जा रहे हैं उसके प्रजाति को, प्रजनन को बढ़ाने के लिए हमको जू का आवश्यकता पड़ता है। और नेशनल पार्क जहाँ पर हैबिटेट एरिया रहता है, जहाँ जानवरों को खाने पीने को परिपूर्ण रहता है, उस पुराना किला है, आपके पीछे दिख रहा होगा वो नया किला है। शुरुआती दौर में होगी, जब बनकर तैयार हुई होगी तब लगता होगा कि यह कितना अद्भुत नज़ारा इस क्षेत्र का होगा, पूरा झारखंड का
ऐसे झारखंड में हमको लगता है कुछ ही जगहों पर बचे हुए या राजा महाराजाओं के द्वारा इतनी दीर्घ सोच थी कि आने वाले पीढ़ी को कुछ हम लोग अपने रहने जीने या स्थापत्य कला के बारे में जानकारी देंगे। इस जंगल में यहाँ वहाँ जंगली हाथियों के झुंड दिखाई दे जाते हैं। जो आप बेतला का क्षेत्रफल कितना है अभी देखा ना, नॉर्थ डिवीजन में है और नॉर्थ डिवीजन में भी एक रेंज है बेतला में है, वही हम लोग को यहाँ दिखाया गया है। इसमें बड़े टाइगर रिजर्व में वो छोटा सा हिस्सा बेतला यहाँ है। हाँ